तो नमस्कार। अगर आप अपने घर अपने मकान को वायरिंग करा रहे हैं तो आज मैं आपको कुछ आइटमें दिखाने वाला हूं और इन चीज में बताने वाला हूं कि इसमें कौन सा स्विच सॉकेट ज़्यादातर यूज करें। ठीक है, आपको अलग अलग तरह का स्विच सॉकेट कुछ दिखा दूं। ठीक है, पहले और उसके बाद से देख सकते हैं अलग अलग तरह का। मैं पहले स्विच सॉकेट दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर समझाने वाला हूँ कि आप अगर आप वायरिंग अपने घर का करा रहे हैं तो इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखें। वायर में अगर आप वायर के बारे में बात करें तो वायर के सैंपल भी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वायर में किस चीज़ का ध्यान रखें जिससे आपका वायरिंग सालों साल चले, कोई दिक्कत ना आए और आपका कम खर्च में आपका सारा वायरिंग हो जाए। सब कुछ जानने वाले इस वीडियो में। अगर आप अपने घर अपने मकान का वायरिंग कराने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, आपको बहुत इसमें अच्छा जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, देखिए स्विच की बात करें तो एक देखिए, पहले मैं थोड़ा दूर से दिखा दूँ। एक स्विच आता है इस तरह का जो नॉर्मल में स्विच आता है मॉडलर में, और एक आता है इस तरह का फ्लैट स्विच। ठीक है, और एक आ रहा है स्विच जो इस तरह का आ रहा है सिल्वर में, और एक आ रहा है जो इस तरह का एंकर मॉडल में स्विच आ रहा है। ठीक है, तो ये स्विच हो गए तीन से चार मॉडल। और देखिए एक ठो इस तरह का भी स्विच आ रहा है जो आपको दिखा दूँ, एक ठो इस तरह का भी स्विच आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से भी स्विच आ रहे हैं। तो स्विच की बात करें दोस्तों, स्विच में आप ज़्यादातर कोई भी स्विच आप किसी भी कंपनी का लें, आप ध्यान दें इसमें से कोई भी आप स्विच लें तो ये ध्यान लें कि इस तरह का अगर आप प्लेट ले रहे हैं उसमें जो स्विच है ये कोई भी स्विच जो है उसमें लग जाए। ये ना हो कि अगर आप कोई मान लीजिए इसी तरह का स्विच आप ले लिए, ठीक है, इसी तरह का आप स्विच कहीं से खरीद लिए, ठीक है, और आपका इस प्लेट में नहीं बैठ रहा है तो फिर आपको आगे जा करके बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर आपका स्विच खराब हो जाता है तो जल्दी मार्केट में मिलता नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी स्विच लगाएं इस तरह का तो ये ध्यान रख लें कि किसी भी प्लेट में हो, मतलब मार्केट से भी आप कोई स्विच ला रहे हैं तो उस प्लेट में आसानी से सेट हो जाए। इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और इन स्विचों को मैं दोस्तों, एक फ्लैट स्विच भी है और इस तरह का आप कोई भी लगवाएं अपने हिसाब से, अपने हिसाब से मॉडल लगवाएं, सारा स्विच अपने जगह पे सही है। और रेगुलेटर की बात करें तो रेगुलेटर में देखिए दो तरह के रेगुलेटर आते हैं। एक तो आता है जो आराम से इसको एक बार बस पुश कीजिए और धीरे धीरे इस तरह से आपका पूरा आपका जैसे फैन का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें कट कट नहीं करता है। ठीक है, और एक रेगुलेटर आता है इस तरह का जिसमें आप चार स्टेप होता है अलग अलग तरह के। तो इसमें दोनों रेगुलेटर सही है, दोनों रेगुलेटर आप लगवा सकते हैं। रेगुलेटर में सिर्फ ध्यान देना है कि इस तरह के पीछे में जो है कैपेसिटर दो ठे लगा हुआ हो। ठीक है, इस तरह के कैपेसिटर लगे रहें, दो कैपेसिटर लगे हैं तो आपका रेगुलेटर सही काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सॉकेट के बारे में। देखिए सॉकेट में आपका एक इस तरह का सॉकेट आता है, इस तरह के सॉकेट आते हैं, और एक आता है शटर वाला सॉकेट। ठीक है, जिसमें आप देखते होंगे प्लास्टिक जैसे लगा रहता है सेफ्टी के लिए, तो आप ये भी लगवा सकते हैं, ये भी लगवा सकते हैं। सिर्फ इसमें ध्यान ये देना है कि पीछे में देखिए इस तरह का पत्थर रहे। ठीक है, इस तरह से पत्थर है, हैवी में पत्थर है, और इसका पीवीसी जो है अच्छे में रहे, क्वालिटी में रहे। ठीक है, और पत्थर से ये फायदा हो जाता है कि आपका कोई भी चीज़ अगर लगाते हैं और ज़्यादा लोड भी होता है तो इसमें स्पार्क उस्पार्क करता है तो आग लगने का डर नहीं था, क्योंकि ये पत्थर है तो पत्थर में दोस्तों आग नहीं लग सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है, देखिए इस सॉकेट में आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ। जैसे क्या होता है बहुत सॉकेटों में कि अगर जोर से खींचिए इधर से तो ये फेंक देता है, अगर आपको इस तरह का लाक आपके सॉकेट में मिल जा रहा है तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, जिससे आपको कितना भी आप जोड़ लगाइए इस सॉकेट आपका बाहर नहीं फेंकता है। ठीक है, तो स्विच सॉकेट में इस चीज़ का ध्यान रखिए। प्लेट आप कभी भी देख लिया कीजिए, जैसे देखिए ये प्लेट में है काला सा ऐसा है, तो ये क्या है इसी में जमावटी है, तो ये क्या है छोड़ता नहीं है। अगर आप इसी में इस तरह का सिल्वर वलोर लेते हैं, देखिए इस तरह का सिल्वर, तो अच्छे कंपनी का लेंगे तब तो सही है, नहीं तो अगर लोकल में लेते हैं तो सिल्वर कलर जो होता है छोड़ने लगता है। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखा कीजिए। और इस तरह के भी आप देख सकते हैं मॉडल, अलग अलग तरह के मॉडल आते हैं। पूरा एम्पेयर में भी आप देख सकते हैं इस तरह का भी स्विच आता है और इस तरह का भी स्विच आता है। सॉकेट में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी पत्थर और देखिए इस तरह का अगर आपको स्विच मिल जाए इतना हैवी क्वालिटी में, जैसे देख सकते हैं कितना हैवी क्वालिटी में स्विच होने वाला है, स्विच में भी अगर पत्थर मिल जाए तो और बेहतरीन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का स्विच और सॉकेट में आप ध्यान रखा कीजिए। और अब बात करते हैं वायर में। देखिए वायर में क्या किया कीजिए, वायर का मैं कुछ आपको सैंपल दिखाता हूँ, एक कंपनी का ये वायर है। वायर में देखिए पहले तो फायर प्रूफ वायर ही आप लीजिए, FR में लीजिए, लेकिन बहुत कंपनियां लोकल में भी क्या है कि FR लिख देती है, लेकिन FR वो वायर होता नहीं है। ठीक है, उसमें आप जो अगर आग लगाते हैं तो आग पकड़ लेता है। तो आप कोई भी वायर लीजिए, किसी भी कंपनी का वायर लीजिए, तो आप एक बार जला करके चेक किया कर लिया कीजिए कि अगर वो जल जाए ठीक है, वायर जल जा रहा है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आग नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आग पकड़ लेगा दोस्तों तो क्या होता है कि आपको मकान को ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है, क्योंकि उसमें अगर आग पकड़ लेता है तो आपके पूरे वायरिंग को भ्रष्ट कर सकता है। और अगर आग पर जल जा रहा है तो जलने से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, जल के वो बुझ जाता है जिससे वो आग नहीं पकड़ता है। आग नहीं पकड़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और बहुत सारा वायर भी आज जैसे ये आपका
इसमें आप देख सकते हैं ये हॉस्पर कंपनी का है, तो इसमें इस तरह का व्यू वायर आया है जिसमें आप आग कितना भी धराते रहिए वो आग पकड़ेगा ही नहीं और ना जलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान थोड़ा रखा कीजिए। और ये जो मैं आपको जितना भी आइटम दिखाया हूँ ये हॉस्पर कंपनी का था, जो हॉस्पर कंपनी का बहुत ही बेस्ट है, जैसे में देख सकते हैं साकेट वोकेट भी इसका बहुत ही बेस्ट होने वाला है, और स्विच में भी आप देख सकते हैं कि इसके स्विच में भी पत्थर लगा हुआ है। अगर आपको ये मिल जाए तो और बेहतरीन है, और सस्ते दामों पर आपको ये उपलब्ध हो जाता है मार्केट में। तो अगर आप अपने मकान अपने घर को वायरिंग करा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी एक बार की पूंजी दोस्तों लगाते हैं तो उससे कम से कम सैकड़ों साल ना चले तो कोई मतलब नहीं है, आपका पूरा पूंजी बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप वायरिंग करा रहे हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखा कीजिए और तभी वायरिंग कराइए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।